भोग विलास ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया है 26 अगस्त 2024 को, और ये आ गए हैं कन्या राशि जो कि बुध की राशि है। शुक्रदेव यहाँ पे विराजमान रहेंगे 18 सितंबर 2024 को। तो शुक्र का ये जो गोचर होने जा रहा है, शासन सत्ता की राशि, मान सम्मान की राशि, सिंह राशि वालों को क्या परिणाम देंगे, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे लियो के लिए। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज शेयर करें, सपोर्ट करें। तो स्वागत है सिंह राशि के राशिफल के अंदर। शासन सत्ता की राशि सिंह राशि वालों के शुक्र का गोचर जो होने जा रहा है इनके दूसरे घर के अंदर हो रहा है। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का, हमारे धन का, साथ ही साथ ये हमारी वाणी का भी घर है। और आपकी कुंडली के अंदर देखें तो शुक्रदेव कहाँ के मालिक हैं, शुक्रदेव आपके कैरियर के मालिक हैं, दसवें घर के मालिक है, साथ ही साथ ये आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भी मालिक है। और शुक्र जो सेकंड घर के अंदर आ रहे हैं वो अपने केतु से युति कर रहे हैं, इसके कारण से थोड़ा सा नीचत्व इसका आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नीचत्व आने के कारण ही ये माइनस रिजल्ट दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कन्या राशि जो आपके दूसरे घर में पड़ती है वो समझदारी की राशि है, जिम्मेदारी की राशि है। यहाँ पे शुक्रदेव आ रहे हैं तो यहाँ उनकी सोच कन्या राशि के साथ बैठेगी नहीं, क्योंकि शुक्र है मौज मस्ती के कारक, सृजन के कारक, ऐश्वर्य, सुख, भोग विलास, सुंदरता, आकर्षण, वैवाहिक सुख के कारक हैं और कल्पनाशीलता में जीते हैं, जबकि कन्या राशि बुध की प्रैक्टिकल राशि है, जिम्मेदारी की राशि है, साथ ही साथ ये समझदारी की राशि है। ये इमोशन से नहीं चलती जो कि शुक्र चलते हैं, पूर्ण रूप से इमोशन के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर। और कन्या राशि बनती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल राशि, बुद्धि विवेक से चलने वाली राशि। इसी के कारण से शुक्रदेव कन्या राशि में आने के बाद कंफर्टेबल नहीं रहते, जबकि ये उनके मित्र की राशि है, बुध से उनकी मित्रता है, परंतु वहां पे थोड़ा सा ये नकारात्मक परिणाम देते हैं। इसी कारण से सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहने वाला है। साथ ही साथ शुक्रदेव के साथ अगर अकेले शुक्रदेव होते तो बेहतर परिणाम मिलने की अपेक्षा थी, परंतु ये केतु के साथ युक्त है, इसके कारण से ये रिजल्ट देने में कम ही सक्षम है। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आएंगे ये सिंह राशि वालों के, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु केतु है यहाँ पे, इसके कारण प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु कहता है भोग विलास छोड़ के सभी चीजों से डिटैच हो, और डिटैच होते हुए अध्यात्म से जुड़ो, और शुक्र कहता है कि नहीं भोग विलास में जुड़ो, तो दो विपरीत स्वभाव वाले लोग एक ही घर में बैठ गए तो फिर क्या होगा, दोनों ही अपना रिजल्ट दे नहीं पाएगा। इसका यही उपाय है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, प्रैक्टिकल उपाय है कि चीजों को आप पकड़ के न रखें। कौन सी चीजों को नहीं पकड़ के रखना है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ईमानदारी से चलना है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, ईमानदारी का मतलब है कि जो काम आपको दिया गया है, जो फाइल वर्क दिया गया है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें मन लगा के काम करना है। और किसी ने कुछ कह दिया, वर्क प्लेस पे कह दिया, घर कुटुंब परिवार में कह दिया, भाई बहनों ने कह दिया, उसको पकड़ के नहीं रखना, उसको लेट गो करना है। जैसे ही आप लेट गो करने का शुरू करेंगे, केतु आपको शुभ परिणाम देगा और शुक्र से संबंधित सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। इस समय आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, आपका जो जीवन साथी है या आपको, दोनों में से किसी एक को गले के या गुप्त रोग संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो ऐसी संभावना है, सीधी आंख में परेशानी हो सकती है। ये तीन चीजों का आपने अगर ध्यान रख लिया, अपने स्वास्थ्य का, अपनी आंख का ध्यान रख लिया, पेट के निचले हिस्से का संबंध का से एरिया का ध्यान रख लिया, तो फिर आप कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा एफर्ट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, व्यापार में आपको लाभ होएगा, बिजनेस में लाभ होएगा। सपोर्ट आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं आएगा, कम आएगा। साथ ही साथ नेगेटिव ये रहेगा कि इस समय यात्रा पे आपका खर्च होएगा और इस समय आप अपना संचित धन सेविंग को भी खर्च कर सकते हैं। इस समय आपकी ये मनोस्थिति रहेगी कि आप साफ साफ बोलेंगे, क्योंकि वाणी स्थान पे है, दिल खोल के बोलेंगे, परंतु दिल खोल के बिल्कुल भी नहीं बोलिए आप, क्योंकि केतु साथ में है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। जो भी बोले मीठा बोले और कम बोले, क्योंकि केतु कह रहा है सबसे डिटैच होते हुए आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा होएगा। तो जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम उससे कनेक्शन स्थापित करते हैं, तो कनेक्शन ज्यादा स्थापित नहीं करना कुटुंब परिवार से, भाई बहनों से, आपको बिल्कुल निरपेक्ष भाव से आगे बढ़ना है, किसी से लाग लगे बट कुछ भी नहीं। इस समय आपका नजरिया सिर्फ एक ही होएगा, पैसा बचाओ, और वो पैसा आपका बच नहीं पाएगा, खर्च हो जाएगा, और पैसों को आप दांत से पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, तो ये वाली चीज आपको त्यागनी पड़ेगी। आपको पैसे से कम लगाव रखना है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप खर्चा करेंगे नाप से नाप। कम लगाओ का मतलब कि पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसा अपने आप ही आपके पास आएगा। परंतु इस गोचर काल में किसी को भी पैसा आप उधार न दें। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो हो सकता है वो डूब जाए। काम धंधों में भी आपको बिल्कुल चुपचाप काम करना है, किसी को अपनी प्लानिंग नहीं बतानी है और अपनी बातें शेयर भी नहीं करनी है। यात्रा करनी है जरूरी, तभी आप यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में भी खर्च होएगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। यात्रा नहीं करते हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर स्थान परिवर्तन हो, आपकी सीट बदल जाए, आपका जगह बदल जाए, ये भी संभावना है। इस समय आपको अपनी सीधी आंख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ संतान का सुख पूरी रूप से बना हुआ रहेगा पूरे गोचर काल में। कब तक? 18 सितंबर तक। और आपकी आय में भी वृद्धि होगी, परंतु खर्चों में भी उसी हिसाब से वृद्धि होगी। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा। आपको लाभ तो होएगा परंतु सोच समझ के करिएगा, एकदम आंख बंद करके नहीं करिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ होने की संभावना इस गोचर काल में दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं हमको लाभ नहीं होता है, परंतु इस गोचर काल में आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करें। आपकी फील्ड कोई सी भी हो, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, प्राइवेट जॉब में हो, चाहे स्टूडेंट हो या गृहिणी हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते चलिए। लास्ट में आपको अवश्य ही लाभ हो जाएगा। और आपने पहले से ही काम चोरी करी तो ये लास्ट में आपको जबरदस्त तरीके से फटका देके जाएगा। इस उपाय इस गोचर काल के अंदर सभी सिंह राशि वाले जातकों को, जो कि ईगो की राशि है, सम्मान पाने की इच्छा रखने वाली राशि है, परंतु इस गोचर काल में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना, वो ये है कि स्त्री वर्ग का पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष का सम्मान कीजिए। विपरीत का सम्मान करने से ही शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। नौकरी जिनके नहीं है उनके नौकरी लगने का भी योग बन रहा है, और आपके कार्यस्थल पर आप अपने एफर्ट से कुछ न कुछ सुधार कर लेंगे, आय में वृद्धि कर लेंगे। आपके एफर्ट से ये सब चीजें अंत में होगी, स्टार्टिंग में नहीं होगी। ये गोचर जाते जाते आपको धन लाभ भी देगा, शेयर में इन्वेस्टमेंट से भी लाभ देगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से भी लाभ देगा, और स्टूडेंट्स को भी अंत में शुभ परिणाम देगा। परंतु पूरे गोचर काल में आपको करना है पराक्रम, क्योंकि आपका संबंध है पराक्रम से, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव के, आपके मेहनत के, आपके एफर्ट के, आपके हाथों के, आपके कार्य कुशलता के मालिक हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा दसवें घर से रिलेटेड, क्योंकि दसवें घर के भी मालिक बनते हैं आपके शुक्रदेव। तो ये आप एक चीज का ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि इस गोचर काल में अपनी प्लानिंग, अपनी बातें शेयर न करें, किसी से लाग लपेट न रखें, कम बोलें और अधिक से अधिक लोगों को सम्मान दें, और सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान बिल्कुल भी न करें। अब चर्चा करते हैं उपाय की। प्रैक्टिकल उपाय तो इसमें यही है कि आप सबका सम्मान कीजिए और कम बोलिए। दूसरा यह है कि आप डिटैच रहिए, प्रैक्टिकल उपाय। तीसरा यह है कि आप आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, या फिर आप गाय की सेवा कीजिए। इन उपायों को करके आप श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करने से धन से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होगी। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।